Baba, ये लीजिए। शांति बिटिया। क्या बात है? भिक्षा देना है तो चौखट के बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं बाबा, हम बंधी भिक्षा कदाप नहीं लेंगे। नहीं बाबा, ले लो, क्योंकि मैं दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती। ये भिक्षा अपने घर में रखो। रमता जोगी बहता पानी, हम चल रहे हैं आश्रम की तरफ को बिटिया। बाबा, आखिर यही बात है तो ठीक है, मैं रेखा की बाहर से ला कर दूंगी। सेनापति राम सिंह है तो छोड़ दो घर के चिंता मेरे जान मन, छोड़ दो घर के चिंता। तो छोड़ दो घर के चिंता और बन के समा चलो बन के समा चलो तुम खुले आमे और चल जान तो मस्त पर बन को पापी अधम तू है भेड़िए नीच पापी अधम बचा के अभी जान लेकर यहाँ जात बचा जा बचा जान लेकर चला तू यहाँ वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा। जा बचा जान लेकर कमी नहीं, दुश्मनी मेरे पति से थी लेकिन मुझे क्यों तू उठा कर लेकर आया, मुझे क्यों लेकर आया? ए शांतिया, बुला
बुला रहे उस अपने दीवाने को, आज तेरी इज्जत को बचा ले। कमीने, अगर मेरा पति आ जाएगा ना तो तेरा एक पल यहां चेहरा नहीं दिखेगा, और अभी इसी में भलाई है तो अपनी जान बचाकर चला जा। आज तेरा नाच और गाना होगा छमिया, तेरे पैर के घुंघरू बजेंगे जब तक तेरी सांस चलती रहेगी, और जिस वक्त तेरे पैर के घुंघरू बंद होंगे उस वक्त तेरी सांस बंद होगी। आज तेरा दीवाना नहीं बचा सकता है, उस कतार ने मेरे हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़िया पिलाकर कारागार में डाला था छमिया। एक और तो पे तेरे पैर के घुंघरू नहीं बजी ना तो मारूंगा गोली, भेजा बाहर हो जाए। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरे पति बहुत हैरान होंगे कि शांति कहाँ गई। नाचो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके खड़ी हो जाओ, बहुत कटीली नचनिया है काले। चल हम तेरे दीवाने के पास पहुंचा देते हैं, और दो मैं नाचने के लिए तैयार हूं, मुझे आपकी हर बातें मंजूर है। नाचो, मैं जरूर नाचूंगी। नाचने के लिए मैं जरूर नाचूंगी, और आपकी हर शर्तें मंजूर है मुझे। मजबूरी में कुछ भी करना पड़ जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या बताऊं, आज मेरे पतिदेव होते तो उस कमीने की हरकत कभी नहीं होती मुझे ले जाने के लिए। क्या अच्छा मुझे मेरे घर से लेकर आ गए। और बिना अपने बलमवा और बिना अपने बलमवा से प्यार न मिले, बिना अपने बलमवा से प्यार न मिले, बिना Thank you.
मिटाने वाला तेरा पति राम सिंह है रे। चल हम दोनों को एक ही सांस सुला देंगे। खड़ी हो जा हराम चाहती, उस वक्त तेरे दीवाने से दया की भीख मांग रहा था, लेकिन वो खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। ए! दो! ओ दोस्त लाखात में शर्म आई नहीं तो लेकिन तुमने इतना बड़ा गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दोस्त मन जान कर मैंने ऐसा किया क्योंकि हर मेरे शत्रु की कुल बदन अपना बदलाव चुकाने के वास्ते, अपना बदलाव चुकाने के वास्ते एक अच्छा यही मैं तोता तो दोस्त लाखा अगर बात नहीं मानेगा दोस्ती में अभी फर्क लग जाएगा, और जिसका कोई न उसका मददगार में, जिसका कोई न उसका मददगार में, और अब लग के बस शाखा लड़ जाएगा। शाखा हाँ। अरे कैसी बात करता है? हम अच्छी ही तरीके से बात करते हैं। साथियों को लेकर साथ में काली पहाड़ी पे आराम करो। याद है इसके पत्ने मेरे हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़िया डालकर कारागार में बैठ गया था। उस अमान का बदला हम उसकी धर्म पत्नी से अवश्य चुकाएंगे। लेकिन लाखा हम तुम एक मर्द है, अगर उसका पति ने तुम्हें सजा दिया है तो मैं वादा करता हूँ कि उससे ना पति की एक एक बोटी अलग कर दूंगा। लेकिन ये तो औरत है, औरत के साथ बस सलूकी करना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा खेल खराब मत कर, तू जा आराम कर। आज मैं कह रहा हूँ लाखा, अगर तू नहीं जाएगा तो आज से ये दुश्मनी बड़ी महंगी हो जाएगी। आज ये अबला की इज्जत मेरे साथ तू खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो
ऐसा हुआ तो आज शाखा की कृपान तेरे इस गले के ठीक होगी। ओह मेरे ही बिल्ली हमें से म्याऊ करना शाखा बोल। दोस्ती को दुश्मनी में बदलना चाहता है। नहीं दोस्त, इसका मतलब इस अवला का मददगार बन गया। हाँ मैंने कहा बेस्तर के जो कोई किसी का नहीं है तो शाखा उसका मददगार होगा। अच्छा था। लेकिन हम तेरी खुशियों को नहीं तोड़ सकते हैं और आज तक मैंने तुझे गोली चलाना सिखाया था, म्यान से खींच कर नंगी तलवार नहीं चलाना सिखाया था। ठीक है, हम तेरी खुशी को अपने ही खुशी में शामिल कर रहे हैं और तैयार हो जा। चल नहक में जान गंवानी चलाया है शाखा। शाखा कहता है कि लाखा, आज अगर अपने दोस्त शाखा की बात नहीं मानेगा तो दोनों में एक ही रहेगा। हाँ तैयार हो जा, तैयार हो जा। दोस्ती और दुश्मनी में बदल जाएगी, लेकिन अच्छा किया तूने हमारे सामने से वापस चला गया। और देवी जी ये तुम्हें कहां मिल गया? क्या बताऊं, मैंने अपने घर में अरे एक साधु का भेष बना करके मेरे घर की तरफ आया और इसने भिक्षा मांगने के बहाना अरे मुझे उठाकर लेकर चलाया। अरे ये नाटकी तो है, लेकिन इज्जत तो बच गई तो जाओ, अब तुम्हारे तुम्हें दोबारा कभी नहीं छेड़ सकेगा। अब तो नहीं आएगा और नहीं चाखा भैया ये साल भूलू, नहीं चाखा भैया ये साल भूलू। कह करके शाखा भैया आज शर्मिंदा कर दिया। अगर आप तुम नहीं आते, लेकिन आज शाखा क्या सोच रहा है कि मेरे साथ मेरी बहन अगर होती तो मुझे रोज भाई कहकर पुकारता, लेकिन आज तूने एक बहन अपने भाई को पुकार करके मेरा दिल दुखा कर दिया है। ये नहीं भैया, और बहने
बहन होती सभी इंसान को ये कमारा है। बहन होती सभी इंसान को कमारा है। और चली चली जाओ मगन मन घरे यही कहे ना। चली चली जाओ मगन मन घरे यही कहे कहते। तूने भाई कह करके एक भाई का दिल को जीत लिया है, है? भैया एक बात कहूं तो अपना रात नहीं होगी। अब तूने मुझे भाई कहा और फिर भी तेरा भाई तुझसे नाराज हो जाए भाई। पगली भैया हमारे साथ में भैया ये घर को साथ चलिए तुम हमारे को दिखाए चल के भैया तुम हमारे। आज मुझे भाई कह करके और एक भाई को फंसाना चाहती हो? कौन ऐसी बहन है जो कि अपने भाई को बलि देने के लिए तैयार होगी? भैया आखिर सुन, तुमने मेरी जान को बचा लिया। आज मुझे बहन कहकर भाई कहकर पुकारा है तो आज सारी राज तुझे बता करके रहूंगा। बताइए भाई। बहन मैं चोर डाकू हूं, मेरा जाना नहीं अच्छा। बहन मैं चोर डाकू मेरा चलना नहीं अच्छा। और मुझे मुझे मजबूर मत करिए मेरा रहे मुझे मुझे मजबूर मत करिए मेरा रहे ना यही अच्छा। बहन भैया मैं एक चोर डाकू, अगर तुम्हारे पथ के सामने हम गया तो हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल करके सलाहों के पीछे कर देगा। नहीं भैया, इसलिए मैं तेरे पद के सामने नहीं जा पाऊंगा। क्या चोरी डाकू के घर नहीं होते? नहीं बहन, यही तो आपकी भूल है। अगर हमारे पास कई घर होता ना तो आज इस काली पहाड़ी के पीछे गुजर बसर नहीं करते। अगर यही बात है
तो ठीक है न जाइए भाई, लेकिन एक बहन का फर्ज होता है कि यहां पर तो मैं कुछ नहीं लेकर आई हूं, लेकिन मैं एक फर्ज मेरा यही बनता है कि आपके इस हाथ की कलाई मजबूत करना चाहती हूं। हरि बोल। बरसों से हम यही उम्मीद करते थे कि अगर मेरे पास एक बहन होती तो आज इन हाथों में राखी बांधती, लेकिन ये कलाई सोनी रह गई। लेकिन आज तेरी बातों पे इतना खुश है और मुझे नाज है कि मेरी बहन आज राखी नहीं बल्कि इस हाथ को मजबूत करेगी। हाँ भैया, खीर में जरूर बांधोगी। तूने दोस्त होकर ये इतनी बड़ी दुश्मनी बनाया है कि मेरे भाई तो नहीं है लेकिन तुझे एक अपना सगा भाई समझता था, लेकिन आज तूने शाखा से इतनी बड़ी दुश्मनी लेकर के अच्छा नहीं किया है। इसमें जानते हो के भाई बहन का कितना बड़ा प्यार होता है। ए भैया, भैया कहते हैं कि जंगल बिहार है, आज मैंने राखी नहीं पाई लेकिन आपके कलाई में ये राखी का धागा जरूर बांधूंगी। बहन, ये राखी नहीं बल्कि ये भाई बहन का प्यार है भैया। और इसे समझो ना राखी का तार भैया, अच्छा इसे समझो ना राखी का तार भैया, इसमें भाई बहन का भैया।